श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस के संचालक कोमल जांगिड और उनके सुपुत्र राहुल जांगिड ने 8 जनवरी 2019 को रात 9 बजे अकोला के राजेश्वर मंदिर के लिए 55 किलो का शुद्ध चांदी का शिवलिंग का कवच निर्मित करके अकोला के लिए रवाना किया। मंदिर के विश्वस्तों ने रात में ही ये शिवलिंग की कवच की पूजा अर्चना कर मंदिर में स्थापना की। आजादी के पूर्व से ही सन 1937 से खामगांव में शुद्ध और खालिश चांदी के बर्तन एवं मंदिर, झूला पालना, विविध मूर्तियां आदि सामग्री निर्मित का काम जांगिड परिवार ने शुरू किया था। जब भी श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस का नाम लिया जाता है तो चांदी की शुद्धता की पूरी गारंटी दी जाती है। यहाँ के निर्मित किए गए शुद्ध चांदी के बर्तन, मूर्तियां, मंदिर, पालकी, झूले आदि समूचे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भेजे जाते हैं। गत वर्ष गणेश चतुर्थी के समय औरंगाबाद में 31 किलो शुद्ध चांदी के श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। इसके अलावा अक्टूबर महीने में विदर्भ के यवतमाल तहसील के कलम में चिंतामणि गणेश मंदिर में 51 किलो का शुद्ध चांदी का मंदिर दिया गया था, जो कि खामगांव के श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस से ही निर्मित किया गया था।